हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में क्या पढ़ रहे थे, मैंने रोल्स का स्टेटमेंट लिख के दे दिया था, राइट ना। मैंने बोला था कि बस दो ही चीज यूज करना है, जब भी वो कंडीशन की बात करेगा, रोल थ्योरम कंडीशन की बात करेगा, तो हम लोग यूज करने वाले हैं f of a equal to f of b, और जब भी वो c निकालने की बात करेगा, c फाइंड करना रहेगा, मतलब वेरीफाई करने की बात करेगा, तो आप लोगों को निकालना है f dash of c equal to 0, राइट ना। ये दो कंडीशन उसमें से यूज करना है। आगे देख लो एक बार LMBT का, LMBT का स्टेटमेंट लिख के दिया था। ओके, LMBT में मैंने क्या लिख के दिया था, मैंने बोला फर्स्ट में सी निकालने के लिए आएगा, निकालने के लिए आएगा, कंडीशन वेरीफाई करने के लिए आने वाला नहीं है, और सी फाइंड करने के लिए जो कंडीशन मैंने लिख के दिया था, f dash of c equal to f of b minus f of a upon b minus a, बस इसके आप लोगों को इस कंडीशन से आप लोगों को आ जाएगा c का वैल्यू, राइट है। तो स्टार्ट करते हैं सम, पेज नंबर कितना है, देखो 289 में पेज नंबर 289 पर रोल्स के सम्स है, मैंने लिखा है
ए शांति रख, उसको पता है पेज नंबर 2 है जिन्हें तुम्हारे पास बुक में नहीं आई उस दिन, नहीं आई थी ना उस दिन, नहीं लेकिन लोग तो कमी थे उस दिन लेक्चर में, है ना। बुक तो 50 था लेकिन लोग कम थे। कितने लोगों को मिला हुआ है? ठीक है, तो जिसके पास नहीं है कुछ नहीं कर सकते, एडजस्ट करो। और जिसके पास है अच्छी बात है, मोबाइल है आपके तो फोटो खींच करके भी यूज कर सकता है, या क्या उसके पास नहीं है? और बातें मत करो, जो भी बात करेगा मैं उसको लेक्चर से भगा दूंगा। नो एक्सक्यूज नो सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 124, द वैल्यू ऑफ सी फॉर द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर Satisfied the rules theorem, then what is the value of c? देखो c का वैल्यू निकालना आपको, क्या करेंगे? f dash of c equal to zero. f of x कितना दिया है? x square. f of x कितना दिया है? x square. अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो कितना हो जाएगा? But x की जगह पे c रखना है. f dash of x का वैल्यू 2x होगा, राइट है ना? f dash of c का वैल्यू कितना होगा? 2c equal to 0, तो c का वैल्यू कितना? 0 upon 2 is 0. तो आंसर कौन सा राइट है? B is the right option. सेम क्वेश्चन नंबर 125 भी सेम करना, राइट है ना? क्वेश्चन नंबर 126 ये भी सेम है, इसमें भी सी की वैल्यू निकालना है, राइट ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, देखो 127 में एफ ऑफ एक्स कितना दिया है? लॉग एन। 127 में एफ ऑफ एक्स दिया है लॉग एक्स, और जो a और b दिया है ये देखो फॉर्मूला क्या है, f dash of c f of b minus f of a upon b minus a, f dash of c देखो f of x log x है, तो f dash of x कितना हो जाएगा? 1 by x, और जब ये x की जगह पे c पुट करेंगे तो f of b, b कितना है? e, e पुट किया तो f of e का वैल्यू कितना हो जाएगा? log e, और log e का वैल्यू कितना होता है? a पुट किया f of a, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, राइट ना, क्योंकि f of a कितना है? 1 है, f of 1 निकाला तो log 1 की वैल्यू कितना? e minus 1, तो 1 by c equal to 1 by e minus 1, c equal to e minus 1, कौन सा राइट है वहां पे? देखो b, b b is the right option, ठीक है ना। तो सब लोग एक क्वेश्चन नंबर 128 और 129 सॉल्व करो, तो फटाफट 128 रूल्स का है और 129 एलिमिनेटिव है, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। रूल्स का है 129 एलएमबीटी का, लेकिन भी सॉल्व करो।
128 में क्या लेना है, f dash of c equal to 0। में क्या करना है, f dash of x निकालना है, बाद में x की जगह पे c लेना है और इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू आएगा। मैं एक उससे भी अच्छा आइडिया बताता हूँ आपको, अपने को वैसे भी दिखाना तो है नहीं, सी निकाल रही है, एक्स निकाल रही है कि नहीं, आप डायरेक्टली एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लो, जो एक्स का वैल्यू आएगा डायरेक्ट सम डिवाइड कर देना है वो उसी, है कि नहीं। तो रूल्स में डायरेक्टली एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, मतलब डेरिवेटिव निकालो इक्वल टू 0 ले लो, एक्स का वैल्यू निकालो, दैट इज नथिंग बट द सी। एलिमेंट में भी ऐसे आप कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने का, f of x, f dash of c लिखने का जरूरत नहीं है, f dash of x लिखो चलेगा, और x के वैल्यू निकालो, है कि नहीं, that is nothing but c। इसलिए आपको आंसर से मतलब है, प्रोसेस से मतलब है। हो गया 128। कितने लोगों ने 128 को सॉल्व कर दिया? देखो जिसको नहीं आया वो 128 याद है। f of x कितना दिया है? x minus one। बस दो ही टर्म है। ओके देखो इसका डेरिवेटिव निकाल लेगा। डेरिवेटिव अगर आपको यूजुअल अप्लाई करने नहीं आता है तो पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, ठीक है? अब इसका डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव तो कह लो इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 3x का अब 2 का कितने का जरूरत है? ये 3 चला जाएगा उधर, 2x इक्वल टू 3x कितना आ गया? दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ c। कितना आंसर, कौन सा आंसर राइट है उसको? ए इज द राइट आंसर। रूल्स के सम्स को अपने को ऐसे ही सॉल्व।
देखो वार्ड 29 कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट ट्राई करो, नहीं आएगा तो पता करो। हो गया लिख के 129 कितने लोगों का होगा? ओके, बाकी लोग इधर देखो, मैंने LMBT का क्या फॉर्मूला बताया? F dash of x is equal to f of b minus f of a upon b minus। देखो अगर डायरेक्ट आपको नहीं आता है तो पहले वैल्यू पुट करके करो। b की वैल्यू कितना है? 3। a का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, अब एकदम पिक्चर क्लियर हो गया। f dash of x का वैल्यू कितना है? 1 minus 1 by x square। f of 3 मैं x की जगह पे कितना पुट करूंगा? 3। 3 plus 1 by 3, 3 3 9 plus 1 कितना आ गया? 10 by 3। f of 1 कब आएगा? जब मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो 1 plus 1 by 1 का आंसर होता है 1। तो 1 plus 1 कितना हो गया? 2। ये आ गया 2। 3 2 6, 10 minus 6 कितना आ गया? 4 by 3। कितना आ गया? 2 by 3। इन दोनों को करेंगे इंटरचेंज। 3 1 3, 3 minus 2 कितना आ गया? 1 by 3। कितना आ गया? x square equal to 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? कौन सा आंसर राइट है उसको देखो, c is the right answer। अच्छा स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस होता है, हम लोग ने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? रीजन इज दैट क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया, लिमिट 1 से 3 के बीच में, तो माइनस तो कम आएगा नहीं, इसलिए मैंने वहां पे माइनस नहीं लिया। डायरेक्ट हम लोग फटाफट लिख लो, कहीं भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। तू बीच में से वहां से उठ और तुम दोनों वहां से उठो, वहां से इधर आ जाओ, बात करते रहते, तू भी आ जाए इधर, ठीक है? हाँ हाँ आ जा, बहुत परेशान रहता है, इधर आ जा इधर। इधर बैठ, सेकंड बेंच तो आ रहे, जल्दी आ। तुझे भी नहीं मिला उस दिन नोट? बोल दे क्या देख रहा है।
हाँ वो दे रहे थे मैं तभी से हाँ उसको चाहिए था रोड से तो मोबाइल खोल के बैठता है आते खाली क्लासरूम में सब लोग 131 एंड 132 सॉल्व करेंगे 131 एंड 132 सॉल्व करेंगे जल्दी 131 इज रोल सेरम 132 इज एलएमवीटी मैंने 130 वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कराया क्योंकि सबसे सिंपल है बस आप उसको डेरिवेट करोगे और इक्वल टू जीरो कर दोगे एक्स के फॉर्म में चाहिए एक्स का आंसर निकालना एफ एस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करो डेरिवेटिव में आपको यू वी रूल लगाना है उसको एक्स माइनस टू है यू और लॉग एक्स है वी दैट्स इट इसलिए मैंने बोला उसको छोड़ दिया है 131 132 जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट 131 रूल थ्योरम ऐसे करना देखो 131 को ऐसे करना है 132 को ऐसे सॉल्व करना है राइट किसी को डाउट है तो पूछ लो डाउट नहीं है तो फटाफट सॉल्व करो यार ये पागल ये कान के नीचे बजा हुआ क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है अंदर जेब में है मोबाइल को क्योंकि बैग के अंदर है हाँ Thank you.
रहा है हो गया 131। कितने लोग को आया, क्या आया आंसर? 132 सॉल्व करो। हो गया 132 भी हो गया। कितने लोग को आया 132? 132। क्या प्रॉब्लम है 132 में, क्यों नहीं आ रहा मुझे बताओ, क्योंकि मुझे रीजन जानना है। नहीं आएगा तो खाली बस ऐसे बैठोगे, मैं सॉल्व करके कितना समझूंगा, सॉल्व करने से थोड़ी आपको आने वाला है। तो कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ मेथड में नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। सब में डेरिवेटिव क्या है, x रेस टू n का तो फॉर्मूला है, सब में x रेस टू n का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है फॉर्मूला डेरिवेटिव का x रेस टू n का, क्या होता है फिर से बोलो एक बार, बता क्या होता है nx upon nx upon raise to nx। तेरे बाजू वाला बोल रहे, तेरे बाजू वाला nx raise to n minus 2, तेरे बाजू वाला, तेरे बाजू वाला, समझा ना? अरे समझा कि नहीं, समझा कि फॉर्मूला लगा के डेरिवेट करना है। फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर किसी को अप्लाई करने नहीं आता तो पूछेगा तब भी बता पाऊंगा, खाली बैठे रहोगे हर एक सेल में सॉल्व करके देने वाला नहीं। कुछ डाउट है तो पूछो ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे सॉल्व करने आते हम लोग, समझ नहीं आते, खाली सर का छापा हुआ छापने के लिए नहीं आते है कि नहीं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। कितने लोग को आया 132? 132 कितने लोग को आया, ठीक से हाथ उठाओ। तुझे नहीं आया, क्यों आता हुआ बता, क्या क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट उठे, एक क्या नहीं आया सो बता। क्या है बोलो, एफ कितना दिया है 6x² - x³, a का वैल्यू है 0, b का वैल्यू है 6। हाँ बड़ा होगा बेटा, बोल क्या डाउट है इसमें? नहीं, पीछे सॉल्व करते वक्त है ना, इधर सॉल्व किया, इसका डेरिवेटिव पता कितना होता है? 12x - 3x² इसके बाद से ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में p की जगह पे कितना लिखूंगा 6, a की जगह पे कितना लिखूंगा 0, दिया गया 6 - 0 दिया गया। अब बता इसके बाद का स्टेप नहीं आ रहा है, ठीक है देख, ए जिसको भी इसके बाद वाला स्टेप नहीं आ रहा है बहुत स्लो यहाँ पे ध्यान से देख, f' of x है, तूने इसका डेरिवेटिव निकाला, ये तेरा क्या है, तो इसके जगह पे लिखेगा तो इसके नीचे लिखेगा ना, लिख दिया। अब देख 6 - 0 कितना होता है, लिख दिया। अब f of 6 और f of 0, देख ये तेरा f of x है, f of x है मेरे पास, मुझे f of 6 निकालना है, तो मुझे क्या क्या चेंज चाहिए इसमें,
एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे कितना पुट करना है, तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे सिक्स पुट कर दे। तो इधर सिक्स को एक्स की जगह पे सिक्स पुट करेगा तो सिक्स का स्क्वायर कितना, 36 इंटू सिक्स कितना होगा 216, और सिक्स का क्यूब भी कितना होगा 216 माइनस 216 कितना आ गया, तो एफ ऑफ सिक्स का वैल्यू कितना आ गया, बराबर। अब क्या निकालना है, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो कब मिलेगा, जब मैं किसके जगह पे जीरो पुट करूंगा, एक्स के जगह, तो खाली ये एक्स नहीं, जहां जहां पे एक्स है सबके जगह पे जीरो पुट करना है। तो यहाँ पे जीरो पुट करेगा तो सिक्स इंटू जीरो क्या हो जाएगा, और ये जीरो का क्यूब कितना आएगा, जीरो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बराबर। अब देख एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, है कि नहीं, जीरो अपॉन एनीथिंग होता है। अब आ गया इसको सॉल्व कर दे, क्या कॉमन दिखता है 3x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 4 माइनस एक्स, तो 3x इक्वल टू जीरो और 4 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू फोर। अब देख इन दोनों में से कौन सा वहां पे दिखता है, तो जीरो और सिक्स के बीच में क्या है, दिस इज द, समझ गया। किसी को और डाउट है तो पूछो, देखो डाउट जब तक नहीं पूछेगा ना तब तक आएगा नहीं, खाली बस आप सोचोगे कि सर सॉल्व करके देंगे, कॉपी करेंगे, तो उससे कुछ भला होने वाला नहीं है, ये एंट्रेंस है, सम डिफरेंट आता है, तो अगर नहीं आ रहा है तो पूछोगे तो आएगा आपको, बैठ जा। चलो अभी 133, 134 फटाफट सॉल्व करो, 133, 134 अब ये काम करो, सब लाइन से सॉल्व कर दे जाओ फटाफट, कहां से सॉल्व करो बताए, एक सौ पचास तक, 150 तक सॉल्व कर दो बस, 150 तक सॉल्व करो जल्दी, हाँ 10-15 सौ सॉल्व कर दो, फिर हम लोग इसको बैकअप, उसके बाद से 150 तक ट्राई करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, किसी को कुछ भी अगर डाउट आता है उसमें नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क। कहीं पे भी फॉर्मूले में कुछ डाउट है, डेरिवेटिव में डाउट है, पूछने का फटाफट, आ रहा है तो जल्दी जल्दी सॉल्व करने का, ये सब सुबह सुबह के इसी और लास्ट में बैठते ना ताकि सर वहां तक पहुंचे। टाइम पास नहीं करना है, जो सब नहीं आएगा बोलने का फटाफट, डोंट वेस्ट द टाइम। ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करो,
134 करो अच्छे से आया 134 134 में f of x कितना लिखा है root x plus 2 x belongs to कितना लिखा है 4,6 मतलब a है 4 और b है 6 f dash of x करोगे तो कितना आएगा root x plus 2 का derivative क्या आएगा 1/2 root देखो f of 6 6 यहाँ पे put किया तो 6 plus 2 होता है 8 root 8 का value यहाँ पे पहले root 8 लिख दो बाद में निकाल 4 लिखा 4 plus 2 हो गया 6 upon में आया 2 1/2 root 2 to get तो ये आ गया 1/√(x+2)√8 − √6 बराबर ना देखो इसमें से क्या कॉमन दिखता है अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2 इसको लिख सकते हैं √2 × √3 बराबर ना कॉमन लेके भी कर सकते हो अदरवाइज सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो क्या करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा 1/(x+2)√8 − √6 होल स्क्वायर राइट ना ये क्या आ जाएगा x+2 = √8 − √6 होल स्क्वायर उसको रफ कर दो क्या ए इसको पहले वापस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ
ए बातें नहीं ये देखो अगर इसका हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आएगा a प्लस सिक्स माइनस टू रूट एट इंटू सिक्स राइट ना रूट एट इंटू रूट सिक्स क्या होगा रूट एट इंटू सिक्स कितना हो गया ये 14 माइनस ये कितना हो जाएगा टू रूट 48 टू रूट 48 मतलब 16 इंटू थ्री 14 माइनस 8 रूट 3 तो x का वैल्यू आ गया 1 बाय 14 8 रूट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 1 माइनस 14 2 सा 28 प्लस 8 2 जा 16 कितना आ गया देखो x is equal to 2 अगर कॉमन लिया तो नहीं आएगा ऊपर से आ सकता है रूट थ्री कॉमन लेकिन नीचे से नहीं आएगा क्योंकि 14 है ना तो दैट विल बी रिमेन सेम आंसर क्या दिया है आंसर का फॉर्मेट क्या है देखो आपने अगर हम लोगों ने इसको रेशनलाइज किया क्या किया 14 प्लस 8 रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा रेशनलाइज करो देखो कितना आंसर आता है पहले आंसर लिखो और उसको रेशनलाइज करो रेशनलाइज कैसे करते हैं पता है ना मल्टीप्लाई डिवाइड क्या हो गया एक जल्दी से लिख फटाफट आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा
क्योंकि 14 का स्क्वायर होगा 196 और 8 रूट 3 का स्क्वायर आएगा 192, तो 196 में से 192 जाएगा तो आएगा 4। ऊपर मल्टीप्लाई करो, कैंसिलेशन होगा 2 से, तो बस चलो फटाफट बाकी का सॉल्व करो जल्दी से। 150 का कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से सॉल्व करो, डोंट वेस्ट द टाइम। Thank you.
सबका 134 हो गया ना लिख के, चलो आगे फटाफट सॉल्व करो जल्दी जल्दी। Thank you.
साइलेंस कहां तक पहुंच गए? 36 जल्दी करो बराबर देखो 36 में साइन कॉस में दिया है। हाँ एक साइन कॉस वाला आपको बता देता हूँ। आ गया तुझे दे जिसको नहीं आया उसके लिए साइन कॉस वाला है। देखो f of x कितना दिया है sin x plus cos x plus 5x ओके f का sin x का डेरिवेटिव cos x cos x का minus sin और phi का डेरिवेटिव f of x is 0 दिया आएगा cos x is equal to sin x। देखो cos और sin इक्वल कब होते हैं? जब एंगल होता है 45 एक ऐसा एंगल है जहां पे sin और cos दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते। जीरो पे इक्वल नहीं होते क्योंकि sin जीरो का वैल्यू जीरो होता है पर cos जीरो वन होता है। कभी इक्वल नहीं होते। 90 पे भी इक्वल नहीं होते बट 45 पे दोनों का वैल्यू सेम होता है pi by 4 पे, right ना? And that is 1 by root 2, 1 by root 2, correct ना? Yes. चलो फटाफट सॉल्व करो जल्दी जल्दी। Don't waste time. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
जल्दी करो फटाफट देखो 140 में log x square plus बस उसको डेरिवेट करना है क्योंकि log 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और log x square plus 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा log f of x के फॉर्म में वो log f of x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon f of x d by dx of f of x चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट Thank you.
फटाफट करो, जो नहीं आता पूछो फटाफट जल्दी। ये बच्चा तू आया वो जो
घर पे जाने के बाद ईमानदारी से ट्राई करना है सब, जो नहीं आएगा लेके आएगा, करोगे तभी आएगा। देखो ए एंट्रेंस में ना एंट्रेंस की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, सर का काम है बस एक बार रिवाइज कराना, कॉन्सेप्ट बताना, समझ में आया, बाकी सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट पे आ रही है, तब उनको पता चलता है कि कितने डिफरेंट टाइप के सम्स होते हैं। फिर वो सम्स करते समय कुछ डाउट डिफिकल्टी आता है तो वो सर से पूछ लेते, आप तो घर पे तो ईमानदारी से करते नहीं हो, इसलिए सोचा कि थोड़ा इसलिए प्रैक्टिस करो, इसलिए करो जाके। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या कंडीशन है? आर एम ई कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट ना? एक सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, देखो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, for decreasing function f dash of x will be less than zero. greater than zero का मतलब होता है positive और less than zero का मतलब होता है negative. इसका मतलब ये हो गया, कोई भी अगर function दिया है आपने उसको एक बार differentiate किया उसका answer अगर positive number आता है इसका मतलब वो increasing है,
और अगर नेगेटिव नंबर आता है इसका मीनिंग वो करेक्ट है। इसमें दो ही टाइप का सम होता है, एक यू हैव टू शो दैट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सेकंड टाइप इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अपने को एक बार डेरिवेटिव लेने का ग्रेटर देन जीरो करना है और उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट है। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का साइन प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा पता होना सेम सम है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। खाली क्या है ना, जो हम लोग बोर्ड का सम कर रहे थे ना सॉल्व, तो उसमें इंटरवल नहीं था, जस्ट ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो से कम मिल जाता, लेकिन यहाँ पे इंटरवल दिया है तो वो इंटरवल लिखे आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट ना। तो पहले इसको लिख लो फिर मैं सम स्टार्ट करता हूँ थोड़ा। हाँ बस दस दस मिनट, चलो जल्दी फटाफट। चला करके Thank you.
f of x is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100. तब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा इसका डेरिवेटिव इसका अब देखो इससे पता नहीं चलता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है क्योंकि अपने को एक पर्टिकुलर हाँ ना पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए जिससे कि हम लोग डिसाइड कर सके कि इंक्रीजिंग आएगा कि फॉर एनी रियल नंबर आर के लिए बोला उसको तो सबसे पहले सब में से क्या कॉमन दिखता है तो x square minus 2x plus 1, right ना? ये किसका whole square है? x minus 1 ना whole square. Correct ना? अब देखो यहाँ पे x का value अगर 1 आया, तो क्या आएगा 0. बाकी x का value कुछ भी put करो, 0, negative, positive, कुछ भी put करो, आपको हमेशा इसका value क्या मिलेगा? More than 0. Yes or no? Yes. इसका मतलब this function is increasing. This function is increasing. तो कौन सा right है answer? A. A is the right answer. ये और ज्यादा correct होता अगर ऐसा question रहता कि this function is increasing for all real values of x except x is equal to 1. x is equal to 1 को छोड़ के बाकी सब पे क्या होगा? Increasing. Yes or no? Yes. ये ज़्यादा होता लेकिन अगर वैसा नहीं दिया है क्योंकि increasing is the first option. That is the correct option. देखो question number 159. इस question में already दिया हुआ है कि increasing है. ठीक है. हम लोग उस type के questions को बाद में लेते हैं. पहले increasing वाला देखो. सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन 160 है सेम क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब चलो इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है सॉल्व करो फटाफट को 160 and 162 same solve करना आपको question number 158 के जैसा solve करो तो फटाफट और बताओ मुझे कि increasing है या decreasing एक type का ही sum लिखा है मैंने तुम्हें जैसा 158 वैसा ही 160 और वैसा ही 162
इसका डेरिवेटिव किया कितना आया और सॉरी जीरो माइनस थ्री सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टेक माइनस थ्री कॉमन तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ये आ गया माइनस थ्री एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखो ये तो पॉजिटिव आएगा और जब माइनस थ्री से हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस थ्री था यहाँ पे माइनस थ्री था तो ये ग्रेटर देन जीरो आया और ये तो ये इंक्रीजिंग के लिए आया तो ये तो 160 कौन सा राइट है बी बी इज द राइट ऑप्शन 162 सॉल्व करो जल्दी सॉल्व कर दिया कितना है आंसर इंक्रीजिंग x माइनस टू द होल स्क्वायर राइट ना होल स्क्वायर का मतलब ही होता है पॉजिटिव क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर कोई नेगेटिव भी रहा तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया देखो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का शॉर्टकट क्या मतलब कि जब भी होल स्क्वायर टर्म के बाहर माइनस आया मतलब वो क्या है होल स्क्वायर टर्म के बाहर अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा नहीं देखो क्वेश्चन नंबर इंक्रीजिंग ए 162 का ए आएगा देखो ए क्वेश्चन डी राइट होता अगर डिक्रीजिंग की जगह पे ना इंक्रीजिंग होता टू टू इंफिनिटी करेक्ट था और क्योंकि वो वाला ओपन वाला ब्रैकेट था ना मतलब टू को छोड़ के इंफिनिटी को छोड़ के इसका मतलब डी वाला की में राइट रहता अगर डिक्रीजिंग की जगह पे इंक्रीजिंग होता समझ गया सो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज ए ए इज द राइट आंसर क्लियर। सो ब्रैकेट का भी ध्यान देना जब भी वैल्यू निकालेंगे ना तो इंटरवल कैसे निकालते हैं वो मैं यूनिट के लेक्चर में आपको बताने वाला हूं दैट क्लियर मिलते हैं हम लोग इवनिंग को और आप लोग बाकी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सम्स ए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सम्स और प्लस रोल्स और एलएमवीटी का सम्स ट्राई करके आना ठीक है ना।